हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में मैं अपनी अगली दो तीन वीडियोस में दो टॉपिक्स कवर करूंगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड अगर इन केस आप लोगों को आगे जाके इंटरनेशनल बिज़नेस कोई MNCs वगैरह में काम करना है जो कि बिज़नेस में इंडल्ज है, या फिर किसी को खुद का बिज़नेस करना है जिसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता हो, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली वीडियोस थोड़ी जनरल भी है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए। मैं अपनी अगली दो वीडियोस में विल टॉक अबाउट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, कहाँ से आया, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फैक्टर्स है, इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड इस समय क्या है, उन सब के बारे में। देन हम लोग बात करेंगे अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को समझेंगे, इसका भी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फैक्टर्स है, इंडिया इस समय कहाँ पे लाया करता है। एंड देन लास्ट में हम इन दोनों के डिफरेंसेस भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीटी श्योर हूँ कि आप लोगों को ट्रेड का मतलब पता होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना, बदले में पैसे ले लेना, प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करना। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये मेरी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के साथ जुड़ा हुआ होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैं देखता हूँ कि मेरी कंट्री ने एक्सपोर्ट कितना किया एंड इम्पोर्ट कितना किया, एंड उनके बीच का डिफरेंस क्या है गुड्स का, गुड्स की वैल्यू का। इसमें मैंने दो वर्ड्स यूज़ करे, सबसे पहला मैंने किया इम्पोर्ट एंड दूसरा मैंने किया एक्सपोर्ट। जिन लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब नहीं पता, जो कंफ्यूज है, एक बार देख लेते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। इम्पोर्ट मेरा तब होता है जैसे कि अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं बाहर किसी भी कंट्री से कोई भी गुड्स परचेज करता हूँ तो मेरा इम्पोर्ट कहलाता है। एंड एक्सपोर्ट क्या होता है, जब भी मैं इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री को गुड्स सेल आउट करता हूँ, बेचता हूँ, तो मेरा एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं इम्पोर्ट के एग्जांपल्स लूँ तो हम लोग ले सकते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, जितना भी हम सऊदी अरब अरब नेशंस वगैरह से लेते हैं, ईरान, इराक, उन सब से। उसके अलावा चाइना से काफ़ी सारे रेडीमेड गुड्स आते हैं, ये हम लोग इम्पोर्ट में लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट के एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी सारा हम लोग रेडीमेड गुड्स, क्लॉथ वगैरह हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा राइस हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी, तो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल हो गए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जब मैं ये वैल्यू ऑफ गुड्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करता हूँ गुड्स की वैल्यू को, तो मेरा वहाँ से बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल के आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशंस वगैरह में जाने से पहले मैं यहाँ पे पहले सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें देखो दो केस हो सकते हैं, कभी भी हो सकता है कि हम किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तो कभी हो सकता है इम्पोर्ट ज़्यादा हो। तो ऐसे केस में मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से कम होगा। अब इन दोनों सिचुएशंस में ये वाला तो होता है मेरा ट्रेड सरप्लस, कि मेरी कंट्री ज़्यादा माल बाहर भेज रही है एज़ कम्पेयर टू मंगाने वाला, जैसे कि जो मेरे डेवलप्ड कंट्रीज़ का होता है, जैसे कि USA हो गया, चाइना हो गया, जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है, वो प्रोड्यूस ज़्यादा करती है, बाहर भेजती ज़्यादा है, मंगाती कम है। नेगेटिव मेरा होता है ट्रेड डेफिसिट, इसमें जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारी कंट्रीज़, क्योंकि ये कंट्रीज़ मैक्सिमम इम्पोर्ट पे आज डिपेंडेंट है। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल ले लूँ, इंडिया आज भी अपना मैक्सिमम डिफेंस मटेरियल दूसरी कंट्री से परचेज करती है, टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री से मंगवाती है, ऑयल के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है मेरी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के ऊपर। जबकि मैं USA चाइना की साइड चले जाऊँ, चाइना तो आज मैन्युफैक्चरिंग हब बन ही चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई कर रहे हैं, बेस्ट रेट्स पे दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। USA टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस है कि अगर मैं लैंड का भी एग्जांपल लूँ, एक बीघा लैंड USA की प्रोडक्शन इंडिया के कंपैरेटिवली सेम उसमें जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी 10 से 20 टाइम्स ज़्यादा आती है। तो इसीलिए तो ये एक तरीके का हमने ओवरव्यू देख लिया पूरा, जो कि अब हम डिटेल में विद डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स आगे समझेंगे। सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स फॉर अ गिवन पीरियड।
तो ये हम लोगों का बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो इंडिया ने एक गिवन पीरियड के अंदर इंपोर्ट किया $1 ट्रिलियन का एंड एक्सपोर्ट किया 0.75 ट्रिलियन का, तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट आएगा ऑफ 0.25 ट्रिलियन। तो दिस इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है। इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है। इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है। ट्रेड डेफिसिट क्यों है, अब पहले उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जो सबसे मेन कंट्रीब्यूटर होता है हमारा इंपोर्ट्स का, वो है पेट्रोलियम। हमारी जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज चल रही है वो आज भी पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आज भी पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड जो हमारा पेट्रोलियम का सोर्स है, इंडिया सारा अपना मैक्सिमम पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट ही करता है। जितने भी मेरी मिडल ईस्ट कंट्रीज है, सबसे पेट्रोल आता ही आता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, डिफेंस की टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए भी मैं इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हूँ। डिफेंस का मेरा, मैं फ्रांस से भी, हमारी कंट्री करती है, रशिया से भी करती है, यूएसए से भी करती है। उसके अलावा हम लोग फर्टिलाइजर्स भी मैक्सिमम बाहर से ही मंगाते हैं। दूसरा रीज़न इसका क्या होता है कि जो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट है, ये तो मेरे इंपोर्ट के फैक्टर्स थे, अब मैं एक्सपोर्ट के देखता हूँ। क्वालिटी गुड्स आज भी हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। क्वालिटी गुड्स से मतलब है कि अगर मेरे को अपना प्रोडक्ट बाहर सेल करना है, तो एक तो मेरे को उसको एक अच्छा प्राइस देना पड़ेगा, साथ ही साथ क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरी कंट्री में क्वालिटी गुड्स अभी इतने बन ही नहीं रहे, तो उतने ज़्यादा एक्सपोर्ट होते ही नहीं, एंड एक्सपोर्ट नहीं होते तो अगेन मेरा एक्सपोर्ट नीचे रह जाते हैं। कॉम्पिटिशन विथ चाइना एंड बांग्लादेश। काफ़ी लोग यहाँ पे हैरान होंगे कि मैंने यहाँ पे बांग्लादेश क्यों बोला है। बांग्लादेश मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज की डेट में लेबर सबसे ज़्यादा सस्ती बांग्लादेश के अंदर है। इसका एग्जाम्पल हम लोग कॉटन प्रोडक्ट्स का ले सकते हैं। इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती थी, बट रिसेंट टाइम बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा राइस के ऊपर है। इंडिया में जो कॉटन शर्ट या टी शर्ट 150-160 रुपीज़ की रेडी होती है, बांग्लादेश वही सेम प्रोडक्ट आज की डेट में 130-140 रुपीज़ में सप्लाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ की लेबर बहुत ही ज़्यादा चीप है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिया की, इंडिया का इस समय ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट क्यों है, एक ओवरव्यू देने की मैंने कोशिश करी, एंड आई होप आप लोगों को समझ भी आया हो। अब इसमें मैं क्या मेजर्स ले सकता हूँ, इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, हम लोग वो भी देख लेते हैं। इम्पोर्ट्स पे लाइसेंसिंग कर दो, टैरिफ्स लगा दो, कोटाज लगा दो, ताकि अपने आप इम्पोर्ट्स कम हो जाए। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं रिसेंट टाइम से चाइना का। चाइना से काफ़ी सारे रेडीमेड गुड्स आते हैं हम लोगों के। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्साइज ड्यूटी वगैरह इंक्रीज कर दी थी, जिससे कि अब उतने ज़्यादा गुड्स नहीं आ पा रहे, उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई, जिससे कि इम्पोर्ट्स कम हो गए, तो अपने आप मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड ऊपर चला जाएगा। एक चीज़ समझ के देखो, अगर मेरे को BOT को करना है तो मेरे को दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो मैं इम्पोर्ट कम से कम करूँ, या मैं एक्सपोर्ट को एकदम इंक्रीज कर दूँ। तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इम्पोर्ट को और कैसे कम ला सकता हूँ। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस डाल दो। टैरिफ मतलब टैक्सेस हो गए मेरे एक तरीके के, गुड्स लेके आ रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन बोल लो या कोटास बोल लो, सेम ही बात है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी तुम इम्पोर्ट करके नहीं ला सकते। अब ये तो हुआ मेरा इम्पोर्ट करने की बात। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं एक्सपोर्ट का प्रमोशन करूँ। इसके लिए मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना सेटअप कर सकता हूँ। उसके अलावा गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है टैक्सेस वगैरह बाकी चीज़ों में, ताकि एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा प्रमोशन मिले। फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। तो ऐसे मैं अपनी बैलेंस ऑफ ट्रेड को बेटर कर सकता हूँ। तो ये था ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अब क्लियर हो गया हो, समझ आया हो। इन केस अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू। MULA